बीजेपी के लोग वजीर आजम रामलीला ग्राउंड दिल्ली से कहते हैं कि एनआरसी की बात ही नहीं है। अमित शाह दूसरे दिन कहते हैं अभी एनआरसी नहीं है। आज रविशंकर प्रसाद जो पटना के रुकने पार्लियामान है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक और बयान देते हैं, पहले नोटिफिकेशन आएगा फिर उसके बाद देखा जाएगा, जो डेटा जमा होगा वो देखेंगे कि रियासती हुकूमतों को कैसे उसको इस्तेमाल करें या क्या करें। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बीजेपी और वजीर आजम कहते हैं कि मुसलमानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है। जब भारत का नुकसान होगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा क्या? जब भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं पार्लियामेंट में भी इस साल नाम आसाम के नासी में नहीं आया।